अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपसे एक बात शेयर करूंगा कि मेरे पास प्लांट अनार के 3 प्लांट हैं। एक तो ये है और एक ये है। इसकी मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी, आपको बताया था इसके बारे में। तो इसको तो माशाल्लाह फ्रूटिंग अच्छी हो रही है, लेकिन इसको फ्रूटिंग सही नहीं हो रही अभी तक। इसको इसकी एज और उसकी एज बराबर है, लेकिन इसको अभी तक कोई भी फ्रूट, तो दूर की बात इस सीज़न थोड़े से बस फूल लगे थे बस। तो इसकी ये देखें, इसके पत्ते भी बहुत रफ़ हैं। तो हम इसकी हार्ड प्रूनिंग कर देंगे ताकि इन्हीं दिनों में जो इसकी ग्रोथ स्टार्ट होनी है वो हो जाए। फिर विंटर सीज़न आएगा, विंटर सीज़न में ये खुश्क हो जाएंगे, इसके पत्ते सब गिर जाएंगे। तो मेरे पास एक और भी है प्लांट, वो देखें, उसकी मैंने प्रूनिंग कल कर दी थी। इसकी प्रूनिंग मैंने कल कर दी थी, इसको भी इस सीज़न कोई फ्रूट नहीं लगा, इसलिए मैंने इसकी अब प्रूनिंग कर दिया है। देखिए इसकी अच्छी ऊपर से स्टार्टिंग हो चुकी है ग्रोथ। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं भी इसकी प्रूनिंग करूंगा। जो पुरानी शाखें हैं उनको मैंने काट देना है। पुरानी शाखें जो भी नजर आए आपको, जिसमें चांस ना हो। अब ये देखें, ये शाख है, लेकिन इसकी अच्छी ग्रोथ चल रही है, तो मैंने इसको यहाँ से काट देना है ताकि ये आगे मोटी टहनी बन जाएगी, तो इसको हमने आगे लेके जाना है। ये देखें, जैसे ये लश ग्रीन है ना, ये लश ग्रीन है, ये ऐसे इन शाखों पर ऐसे लश ग्रीन टहनियाँ नई नई आ जाएंगी। जैसे तब तक सीज़न भी ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से आपने जो भी रफ़ हैं उन सबको मैंने काट देना है। इसकी ग्रोथ बहुत ही स्लो हो गई थी, तो मैंने बस यही काम करना है कि इसको काट देना है। इसका आप रिज़ल्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगा नेक्स्ट टाइम कि इसकी क्या पोजीशन है। अब ये दिनों में ही इसका रिज़ल्ट आपको नज़र आ जाएगा। ये ऊपर से तो ठीक है, लेकिन ऊपर से थोड़ा सा ये डैमेज हो गया, तो मैंने इसको यहाँ से काट देना है। ये नए नए टहनियाँ निकालेंगे लश ग्रीन, फिर वो लश ग्रीन सूख जाएंगे विंटर सीजन के आते आते। फिर जब बाहर का मौसम आएगा, फिर इससे अच्छे ग्रोथ होगी प्लांट की। ये देखें, इसको काट देना। अब ये देखें, ऊपर तक ऊपर शेल्टर है, तो वहाँ टच हो गया है, यानी कि ये अब नाई निकले। ये देखें, ये नाई जो नाई निकलती है उसकी स्पीड भी ज़्यादा होती है, और वो ग्रोथ भी उसकी अच्छी होती है। तो आप देखें, ये कितने सारे मैंने इसकी हार्ड प्रूनिंग कर दिए। कैमरा बंद करने के बाद है मज़ीद भी इसकी हार्ड प्रूनिंग करूँगा। तो आपने प्रूनिंग से डरना नहीं है किसी किस्म का भी, प्रूनिंग स्टार्ट रखनी है। ये पौधे के लिए फायदेमंद है। देखें, ये हालत हो गई है। तो ये जो निकल रही है, ये इसको मैं जाने दूंगा। जैसे ये निकली है ना, इसको भी जाने दिया, इसको भी जाने दिया। फिर मैंने इसको, जब ये बड़ी हो जाएंगी, फिर ये मदर है, पहली शाख है ये वाली, फिर मैंने इसको यहाँ से काट देना है। अब देखूंगा इसका कोई काम नहीं है,
तो इसको काट दूंगा, फिर इसको काटूंगा, ये ऊपर चली जाएगी। गमला भी देखें अभी। तो अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।